नए अस्पताल के मोर्चे में मृतक का पोस्टमार्टम नहीं करने का मामला सामने आया है। मृतक के शव को एमबीएस के मोर्चे में भेजकर शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। दरअसल रावतभाटा के मांदलगढ़ में जहर खाने के मामले में महेंद्र कंचर को न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया था, जहां उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। महेंद्र की मृत्यु की सूचना पर वहां से पोस्टमार्टम के लिए पुलिस कोटा मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंची। मोर्चे में मृतक के शव को रखा गया था, लेकिन वहां तैनात कर्मचारी ने वेतन नहीं मिलने का हवाला देते हुए पोस्टमार्टम से इनकार कर दिया। कर्मचारी को पिछले 5 माह से वेतन नहीं मिला है, जिसके चलते उन्होंने पोस्टमार्टम प्रक्रिया करने में इनकार कर दिया। वहीं पोस्टमार्टम न होने के कारण मृतक के परिजनों को सुबह से परेशान होना पड़ा। आखिरकार पुलिस मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए एमबीएस मोर्चरी लेकर गई। अस्पताल में 4 सितंबर से मोर्चरी शुरू हुई थी, लेकिन अस्पताल में ठेके पर लगे सफाई कर्मचारियों ने मोर्चरी में काम उनसे लिया जा रहा था, लेकिन उन्हें सितंबर से वेतन भी नहीं दिया गया है। ऐसे में कर्मचारियों ने काम करने से मना कर दिया। वहीं अस्पताल प्रशासन का कहना है कि ये कर्मचारी अस्पताल में ही सफाई का काम कर रहे हैं, जहां उनको नियमित वेतन दिया जा रहा है। वहीं कर्मचारी पोस्टमार्टम के अलग से भुगतान की मांग कर रहे हैं। कछोला तहसील मंडलगढ़ जिला भीलवाड़ा से, और सुबह के करीब 8 बजे से परेशान हो रहे हैं, यहाँ नहीं हो रहा पोस्टमार्टम, न जाने कहाँ नहीं कर रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं पता नहीं सर, हम कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, और जगह ले जाओ, ये कितनी देर लग गई पता नहीं, अब कब होगा कब नहीं होगा। तो 12 बजने में आ गया अभी तक, 12 बजे सर हमें सूचना मिली, रावतभाटा थाने से आया हूँ, हेड कॉन्स्टेबल रमेश मीणा, नंबर 1337। हमें सूचना मिली, मुझे आई सी थाना में भेजा कि भाई एक डेड बॉडी है, उसको पोस्टमार्टम करवाना है। उस पर हम यहाँ मेडिकल कॉलेज पहुँचे, और यहाँ पे यहाँ से लेकर हम एमबीएस हॉस्पिटल डेड बॉडी को लेकर जा रहे हैं, वहाँ पोस्टमार्टम हो रहा है सर। तो यहाँ प्रक्रिया पूरी नहीं पोस्टमार्टम, यहाँ पे सर हमें चौक इंचार्ज ने बताया कि इसको डेड बॉडी को एमबीएस हॉस्पिटल ले जाना, वहाँ पोस्टमार्टम हो गया।